बीजापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मलेरिया से दूसरी कक्षा में अध्ययनरत मासूम की मौत हो गई है। 3 दिनों से बीमार चल रही थी मासूम। बता दें कि मिरतूर में तामोड़ी आश्रम में अध्ययनरत थी और इसी के चलते मिरतूर अस्पताल में 2 दिन से इलाज चल रहा था। तामोड़ी गांव का छात्र बताया जा रहा है। बता दें कि आश्रम में 3 और छात्र भी मलेरिया से पीड़ित है, जहां भैरमगढ़ ब्लॉक का मामला सामने आ रहा है। और बता दें कि आश्रम अधीक्षक मोतीराम ने ये पूरी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से, जहां पर मलेरिया से दूसरी कक्षा में अध्ययनरत मासूम की मौत हो गई है। तो वहीं पर 3 दिनों से मासूम बीमार चल रहा था और इसी के चलते अब उसकी मौत हो गई है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि मिरतूर में तामोड़ी आश्रम में अध्ययनरत था छात्र और मिरतूर अस्पताल में 2 दिन से इलाज चल रहा था और इसी के चलते उसकी मौत हो गई है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि मिरतूर अस्पताल में 2 दिन से इलाज चल रहा था, तामोड़ी गांव का निवासी छात्र बताया जा रहा है। तो वहीं पर आश्रम के 3 और छात्र भी मलेरिया से पीड़ित है। बता दें कि ये पूरा मामला भैरमगढ़ ब्लॉक का बताया जा रहा है और इसकी जानकारी आश्रम अधीक्षक मोतीराम ने दी है। तो बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं, जहां पर मलेरिया से दूसरी कक्षा में अध्ययनरत मासूम की मौत हो गई है। 3 दिनों से इलाज चल रहा था और इसी के चलते अब मासूम की मौत हो गई है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में संवाददाता अर्जुन पांडे जुड़ चुके हैं। अर्जुन, बीजापुर से ये मामला सामने आ रहा है जहां पर मलेरिया का प्रकोप देखने को मिला, जिसकी वजह से दूसरी कक्षा में अध्ययनरत मासूम की मौत हो गई है। अर्जुन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको ये खबर बीजापुर से बता रहे हैं, जहां मलेरिया से दूसरी कक्षा में अध्ययनरत मासूम की मौत हो गई। 3 दिनों से इलाज चल रहा था और मासूम की अब मौत हो गई है। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि मिरतूर अस्पताल में 2 दिनों से इलाज चल रहा था। वहीं आश्रम के 3 और छात्र भी मलेरिया से पीड़ित है, ऐसे में उनका भी इलाज जारी है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में संवाददाता अर्जुन पांडे जुड़ चुके हैं। अर्जुन, बीजापुर से मामला सामने आ रहा है जहां पर मलेरिया का प्रकोप देखने को मिला, जिसकी वजह से दूसरी कक्षा में अध्ययनरत मासूम की मौत हो गई है। जी अनुपम, बता दूं आपको, जिस तरह से बीजापुर से ये खबरें आ रही है, सरकार हमेशा से ये दावा करते रहती है कि हमने मलेरिया पे काबू पा लिया और मलेरिया न इस क्षेत्र में पहुंचे और न इस क्षेत्र में कोई मलेरिया से प्रभावित हो, उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं भी की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में जो पहले बारिश हुई थी और बारिश से कहीं ना कहीं ये जो जल भरा हुआ है, इस कारण भी मलेरिया को जो है कहा जा सकता है कि मलेरिया का वहां पे ग्राह पड़ा है। अभी ये जो घटनाएं सामने आ रही है जिसमें जो है एक बालक ने दम तोड़ा है, आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे कोटा के भी हैं जिनके जो संचालक है वो लापरवाही बरतते हैं और निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि ये जो जिस छात्र की मौत हुई है कहीं ना कहीं ये वो लापरवाही का ही परिणाम है। जी जी अर्जुन, अगर देखा जाए तो बीजापुर क्षेत्र की बात कर ले तो अब तक के मलेरिया के कितने केसेस सामने आए हैं? जी ये केसेस तो बहुत सारे सामने आए हैं अनुपमा, लेकिन जिस तरह से ये मौत की बात कही जा रही है, मेरी जानकारी में ये दूसरी जो है मृत्यु हुई है मलेरिया को लेकर के, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इसके लिए चिंतित होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज भी आश्रम में रहते हैं। अगर कोई बच्चा अपने घर में रहता है तो उसके जो माता पिता हैं वो अपने हिसाब से जो है उसका इलाज पानी कराते हैं, लेकिन आश्रम में जो बच्चा रहता है बिल्कुल जो है आश्रम प्रशासन की जो जिम्मेदारी रहती है, मुझे इसमें भी कहीं ना कहीं संदेह दिखता हुआ नजर आ रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो बीजापुर से आपको एक खबर बता रहे थे जहां पर मलेरिया का प्रकोप देखने को मिला। बता दें कि दूसरी कक्षा में अध्ययनरत मासूम की मौत हो गई है, जिसका इलाज 3 दिनों से चल रहा था।